अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सैयद शाह सवार काजमी, आपका अपना सैयद शाह सवार काजमी है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो मुझे पता है यार कि मैं टाल मटोल जितनी भी कर लूँ आप लोगों से नहीं बच सकता। तो अब मैं आपको पहले ये बताऊँ कि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यार, यहाँ पे तो बड़ी फिट करके मेरी शक्ल आ रही है, धूप पड़ी है फेस पे, तो बात कुछ ऐसी इस साइड ही चलते हैं क्योंकि मैं वैसे भी वॉक कर रहा हूँ। तो बात ये है कि मैंने इस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे टिकटॉक पे बड़े मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी, स्नैपचैट पे, इवन के फेसबुक के नीचे भी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ उसके भी नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, DMs तो आते ही आते हैं इंस्टाग्राम पे कि शाह साहब आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे व्लॉग। तो बात कुछ ऐसी, रिसेंटली आई डन माई बैचलर्स, तो ज़ाहिर है फिर आगे बैचलर्स किया तो MS भी करना है क्योंकि पाकिस्तान में नौकरियाँ वैसे तो नहीं मिलती। बाय द वे मैंने नौकरी वैसे भी करनी नहीं है, लेकिन देखें पढ़ना तो होता है इंसान, नौकरी के लिए नहीं इंसान को पढ़ना चाहिए, पढ़ना इंसान बनने के लिए चाहिए, और मुझे ये लगता है मैं अभी कंप्लीट इंसान नहीं बना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मुझे आगे पढ़ना है मज़ीद, और मुझे शौक़ भी है पढ़ने का, सो अब मैंने MS करना है। तो MS फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर अब मेरा जैसा स्टैंडर्ड है तो मैंने फिर उसी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी भी चूज़ करनी है। बहुत तेज हो रहा है। और मैं पाकिस्तान की जो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर फिर मैंने अप्लाई वगैरह किया, तो अब जो है साथ साथ मैंने वहाँ पे टेस्ट वगैरह दिए हैं। उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा, टेस्ट वगैरह दिए हैं, फिर उसके बाद फिर साथ साथ टेस्ट क्लियर होते हैं, फिर 900 टेस्ट होते हैं आपके, वो क्लियर होते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फिर इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ क्लियर हों फिर, मतलब बहुत लंबे प्रोसेस है। सो मैं इसी काम में अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, इतना बड़ा मैंने वैलिड रीज़न तुम लोगों को दे दिया। और इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे पहले बैचलर्स के, वो कम्प्लीट हुए, रिज़ल्ट आया, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, ज़ाहिर है MS, फिर वही सिस्टम, वही रील चलने लग गई। तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। सो बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं सो के, तो खैर मैं फजर के टाइम उठा था, तो मैं डेली वॉक करता होता हूँ सुबह के टाइम, तो मैंने बोला यार चलो और तो कुछ मुझे कंटेंट मिलना नहीं है तो चलो वॉक। सो जो मैंने आज व्लॉग बनाना है और जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत शॉर्ट्स होगा, इतना लंबा नहीं होगा, जहाँ तक मेरी वॉक ख़त्म होगी व्लॉग एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग वॉक करने निकला हूँ फिटनेस के लिए अपनी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर काम का स्ट्रेस इतना है, साथ अभी मेरे शूट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं मॉडलिंग के, क्योंकि मुहर्रम सफ़र की वजह से मेरी आदत है, जब से मैं मॉडलिंग में, तकरीबन मेरे मॉडलिंग में 1.5-2 साल हो गए, 2 साल हाँ, तो मैंने मुहर्रम सफ़र में कोई काम नहीं लिया कभी, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह से सैयद ब्रदरान हैं और सैयद तनकीद करने वाले लोग, मैं सबको मेंशन नहीं करता, तो अब लोग ये नहीं समझते ये हमारी जॉब है, ठीक है। तो जॉब अब जिस तरह आपके अम्मी अबू जो भी है इंसान जॉब करता है, तो हम भी इसी तरह ये जॉब करते हैं। फिर ज़ाहिर है हम लोगों को रील्स भी अपलोड करनी होती है, अब रील्स हम लोग नोहे और कसीदे पे तो नहीं कर सकते अपलोड, तो फिर बेहतर यही है कि काम लो ही ना, क्योंकि फिर जब आप काम ले लेते हो ना तो फिर आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कहते हैं हम अपलोड करो, तो फिर अब हम अपलोड नहीं कर सकते मुहर्रम सफ़र में ऐसा स्टफ़, सो डैट्स वाई मैं नहीं लेता काम। ये माशाल्लाह सुबह सुबह जा रहे हैं, तो अब जैसा मेरा फेस था ना उसको एक्सेप्ट करना वैसे ही, क्योंकि इस टाइम मैंने कोई मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया और मैं जैसे था मैं वैसे उठ के आ गया हूँ, ठीक है, सो के अभी उठा और उठ के आ गया हूँ मैं। तो बात कुछ ऐसी है कि बात क्या है वैसे, बात कोई बात नहीं है। मैं क्या बातें करूँ अब तुम लोगों से, तो हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। ये पार्क तुम लोग देखो, ये इस पार्क में मेरा बचपन गुजरा है, ठीक है, मतलब ये था व्हेन आई वाज किड, तो ये मेरे बिल्कुल यहाँ पे पीछे घर के मेरा पुराना घर होता था, ठीक है, यहाँ पे हमारा पुराना घर था इसकी बैक साइड पे। तो फिर जो है हम यहाँ पे बचपन में खेलते होते थे और यहाँ पे मैंने बड़े जुड़े लिए हैं बचपन में। अभी वॉक करते करते ना मैं इस जगह पे आ गया हूँ, तो मैंने सोचा चलो यार बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, झूले लेते हैं, ये ना मैं गिर ही जाऊँ, मेरा वेट बढ़ गया ना वैसे, अब थोड़ा इतना भी नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा है, जाओ ना
झूला जो है ना मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, झूले का हाल देखो, ये मैं बैठा ना तो ये मेरे कुछ और हो जाना नीचे से, फिर मुझे इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। झूले का प्लान तो कैंसिल हो गया मेरा, तो चलो वॉक ही करें। सो द स्टोरी टाइम स्टार्ट। यहाँ पे ना हम लोग बचपन में ये इसको क्या कहते हैं, आई थिंक स्लाइड कहते हैं, स्लाइड कहते हैं उसको। तो यहाँ पे ना ऊपर इस जगह पे एक बच्ची बैठी हुई थी हमारे उस साइड पे, कह रहे हैं वहाँ पे रहती थी वो बच्ची, तो उसका मुझे नाम भूल गया, उस बच्ची का मुझे नाम भूल गया। तो बात कुछ ऐसी थी कि रात का टाइम था, आई थिंक मगरिब के बाद का टाइम था, तो मैं कॉल पे बात कर रहा था किसी के साथ। आई थिंक वो नया नया इश्क नहीं होता जब, तो मुझे किसी के साथ हुआ था तो मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा था, बहुत छोटा सा मैं, तो हाँ आई वाज किड, मतलब बचपन से मैं थोड़ा था, मेरे अंदर जर्म्स थे इश्क विश्क वाले, इतना शरीफ नहीं था मैं। बाय द वे यहाँ पे वो बच्ची बैठी हुई रो रही थी, मैं समझा उसके भाइयों ने उसको मारा है शायद, भाई मारते थे ना बचपन में उसको बड़ा, मतलब उस तरह नहीं मस्ती मस्ती में। तो मैं उसके पास गया और मैंने बच्ची को बोला तुम क्यों रो रही हो ना। बच्ची ने मुझे ऊपर आंखें उठा के इतने गौर से देखा ना, जिस तरह उन्हीं हॉन्टेड नज़रों से देखा, उस तरह तो मैं डर गया, मैं वहाँ पर मोबाइल फेंक और मैं भाग गया था। और ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। सो गाइस ये वाली जो जगह है ना, ये एग्जैक्ट जगह कि मैंने आपको तब बताई है, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक ट्यूशन वाली, मैं ट्यूशन पढ़ता था बचपन में, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगा, मेरी एक मैम थी बड़ी प्यारी सी, अल्लाह उनको सेहत दें और लंबी ज़िंदगी दें, तो अभी यहाँ पे नहीं रहते, वो मूव ऑन हो गए यहाँ से, बेसिकली दे आर फ्रॉम सवात आई थिंक। हाँ तो उन्होंने हमें एक दफ़ा स्टोरी सुनाई थी कि उनकी कज़न रात को आ रही थी सवात से, उनकी कज़न्स ने आना था ईद के मौका पर शायद, तो ये जो मैंने आपको जगह बताई है ना, तो वो वहाँ से चल के आ रही हैं, तो उन्होंने कज़न्स को कॉल किया अपने कि आप लोग हमें लेने आओ, तो वो चल के आ रही थी, तो इनके जो भाई थे। सो गाइस मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी में ये था कि वो कह रही हम चल के आ गए थे, दूर से लग रहा था कि वाइट कपड़े पहन के मर्द खड़े हैं इसके साथ, रात का टाइम था तकरीबन 1 या 2 बजे का, कहते हम जब पास आए तो लड़के थे लेकिन उनके ऊपर सर नहीं थे, कहती हम वहाँ से ही भागी और बेहोश हो गई घर आके। मतलब हमारी जो जिस एरिया में रहता है तो बड़ा हॉन्टेड एरिया, तो हम लोग इसी वजह से निकलते नहीं है ज़्यादा बाहर, नज़र लग जाती है, मतलब नज़र नहीं लग जाती, इन चीज़ों के आने का ख़तरा होता है, डैट्स वाई। सो तुम लोगों का, आप लोगों को ना इन दो स्टोरीज से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं क्यों बाहर निकल के ब्लॉग्स नहीं बना। सो गाइज मेरी जो मॉर्निंग वॉक है ना, वो तकरीबन ख़त्म होने वाली, क्योंकि मैं बिल्कुल घर के पास पहुँच आया हूँ, ठीक है, और अभी जाके मैंने। सो आई होप आपको मेरी मजबूरी भी समझ आ गई होगी क्यों मैं ब्लॉग बाहर निकल के नहीं बनाता, क्योंकि हम लोगों को ख़तरा है, हम लोग एक हॉन्टेड एरिया में रहते हैं। सो अगर आपको मेरी जान प्यारी तो मुझे। सो गाइज़ आज का व्लॉग जो है एंड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल घर के पास खड़ा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, ऐसे छोटे छोटे व्लॉग मैं बना सकूँ डेली, मुझे मसला कोई नहीं है, तो मैं ऐसे ऐसे व्लॉग बनाते रहूँगा हफ्ते में 2-3। और अभी मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो फुल हुई हुई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा घर पर, एप्पल साइडर विनेगर पीऊँगा, थोड़ी देर बाद नाश्ता करूँगा, शॉवर लूँगा, फिर मैंने कहीं जाना है। एंड इंशाल्लाह आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आपको पसंद आएगी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो टिकटॉक पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सेशा सवार का, लव यू, बाय बाय।